पलामू से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ है, जहां पंचायत सेवक को रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक पंचायत सेवक 4000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। इसी दौरान सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मजदूरों के भुगतान के लिए रिश्वत ले रहा था पंचायत सेवक। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। संतोष, पंचायत सेवक मजदूरों के भुगतान के लिए रिश्वत लेता रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, और क्या जानकारी है आपके पास? बता दें कि जो एसीबी को सफलता मिली है, बता दें कि ये जो है पंचायत सेवक है, तो मजदूरों का जो दोभा निर्माण कार्य जो होते हैं, उस दोभा निर्माण कार्य में जो भुगतान की जाती है, उसी भुगतान की राशि के एवज में जो है पंचायत सेवक ने उन लोगों से जो है सभी मजदूरों से जो है राशि की डिमांड की थी। उसके बाद एसीबी की टीम ने जो है रंगे हाथ जो है पंचायत सेवक को 4000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया। संतोष, ये भी जानना चाहेंगे, अब हर सरकारी योजना के तहत किए गए काम का भुगतान ऑनलाइन होता है, सीधे खाते में आता है, तो फिर ये बीच वाले लोग अभी भी कैसे बने हुए हैं? जी, ये बहुत ही ताजुब की बात है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार भी कह रही है कि बिचौलियों को भी जो है इस तरह की जो है बिचौलियों को भी खत्म किया गया है, लेकिन अभी भी जो है कहीं ना कहीं ये जो है असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते गांव देहात के जो भी मजदूर रहते हैं और जो अपने भुगतान की राशि लेने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो गुमराह कर दिया जाता है राशि के भुगतान करने के एवज में, कहीं ना कहीं उनसे डिमांड की जाती है, जिसके नतीजा है कि कुछ लोग जो है दे देते हैं डर के मारे, या कुछ लोग जो है साहसी रूप से जो है हिम्मत दिखाते हुए एसीबी को जो है संपर्क करके ऐसे लोगों के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अपनी ताकत दिखाते हैं, और यही नतीजा है कि आज पंचायत सेवक जो है एसीबी के यहाँ पे चल रहा है। जी, धन्यवाद संतोष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मजदूरों की मजदूरी दिलाने के एवज में रिश्वत ले रहा था पंचायत सेवक, और इस दौरान एसीबी की टीम ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है।